अस्सलाम वालेकुम। इफ यू न्यू टू द चैनल, माय नेम इज हुमायूं सिद्दीक और मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ मेन फैशन, लाइफस्टाइल और ग्रूमिंग के बारे में। अगर आप मेरे वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसके अलावा आप मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टिकटॉक आईडी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरी पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी शलवार कमीज से ही रिलेटेड है, बिकॉज शलवार कमीज हमारे पाकिस्तान की बहुत ही फेमस आउटफिट है और मेरी ये आउटफिट बहुत ही फेवरेट आउटफिट्स में से एक है। उस शलवार कमीज में कोई भी बंदा स्टाइलिश और क्लासी नजर आ सकता है, लेकिन उसके लिए ये चीज़ जरूरी है कि आप उसे अच्छी तरीके से, सही तरीके से पहने। अगर आप उसे गलत तरीके से, गलत चीज़ों के साथ कंबाइन कर रहे होंगे तो वो कभी भी आपको स्टाइलिश और क्लासी नहीं शो करेगी। तो मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो शलवार कमीज के ऊपर विंटर में जैकेट या लेयरिंग ऑप्शन के ऊपर थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक ऊपर आई कार्ड में भी आ रहा होगा और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो भी लाजमी देखें। नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो, जो मेरी आज की वीडियो है ये उन शूज़ के बारे में है, उन जूतों के बारे में है जो आप शलवार कमीज के साथ पहन सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि सही जूते शलवार कमीज के साथ नहीं पहन रहे होते, वो पहने होते हैं वाइट स्नीकर या फिर स्पोर्ट्स स्नीकर वगैरह शलवार कमीज के साथ, जो कि शलवार कमीज के साथ कभी भी मैच नहीं होते, क्योंकि शलवार कमीज एक फॉर्मल आउटफिट है, ट्रेडिशनल आउटफिट है। तो इसी तरह जो शूज़ भी आप इसके साथ पहनेंगे वो भी फॉर्मल शूज़ होगा या फिर कोई ट्रेडिशनल शूज़ होगा। इसके अलावा आप इसके साथ कोई भी कैजुअल स्पोर्ट या वाइट स्नीकर नहीं यूज़ करेंगे। सबसे पहला और पाकिस्तान का सबसे फेमस शूज़ जो कि आप शलवार कमीज के साथ बेस्ट तरीके से कैरी कर सकते हैं वो है पेशावरी चप्पल। मेरे हिसाब से किसी भी स्टाइलिश बंदे का शूज़ वार्डरोब पेशावरी चप्पल के बगैर मुकम्मल कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप शलवार कमीज के साथ फॉर्मल, ट्रेडिशनल और क्लासी लुक चाहते हैं तब आप उसके साथ पेशावरी चप्पल पहन सकते हैं। बाकी शूज़ जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो भी शलवार कमीज के साथ बहुत अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन जो शलवार कमीज की सबसे रियल वाइब है वो सिर्फ पेशावरी चप्पल के साथ ही आपको मिल सकती है। और पेशावरी चप्पल पर मैं जल्द ही एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में, मटेरियल के बारे में और आप इसे किस तरह कहाँ से बाय कर सकते हैं, किस तरह इसे अपनी कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। अगर तो आप अपने कलेक्शन में पहली पेशावरी चप्पल ऐड कर रहे हैं तो तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लैक सिंपल 4 सदा स्टाइल वाली पेशावरी चप्पल बाय करें। वो ये सबसे बेसिक और क्लासिक पेशावरी चप्पल है और ये आपकी हर किस्म की शलवार कमीज के साथ, हर कलर की शलवार कमीज के साथ अच्छे से मैच हो जाती है। नेक्स्ट शूज यू कैन वेयर विथ शलवार कमीज, अगर तो आप थोड़ी सी ट्रेडिशनल लुक नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक हो, बिजनेस मैन वाली लुक हो, तब आप उसके साथ पहन सकते हैं लेसा फॉर्मल शूज। तो लेसा फॉर्मल शूज में दो कैटेगरी होती हैं, डर्बी शूज या फिर ऑक्सफोर्ड शूज, या आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बाय करें। इन दोनों में से कोई एक शूज आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं और इसे शलवार कमीज के साथ फॉर्मली कैरी कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रहे कि आपका जो लेसा फॉर्मल शूज़ हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, डर्बी हो, मिनिमल हो, बेसिक हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन ना बनी हुई हो, क्योंकि शलवार कमीज एक बहुत ही फॉर्मल आउटफिट है। तो उसके साथ जो शूज़ भी आप पहनेंगे वो फंकी ना हो, बेसिक और फॉर्मल शूज़ हों। और इसके बाद तीसरे नंबर पर जो मैंने शूज़ रखे हैं वो एक नहीं दोनों शूज़ हैं। उन दोनों में से आप कोई एक पर अपनी पसंद का बाय कर सकते हैं, एक आपका डबल मंक स्ट्रैप शूज़, दूसरा फॉर्मल लोफर। आप इन दोनों शूज़ को शलवार कमीज के साथ अच्छे से कैरी कर सकते हैं। ये शूज़ आप तब पहनेंगे जब आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल लुक नहीं चाह रहे होते, आप चाह रहे होते हैं कि थोड़ी सी सेमी फॉर्मल टाइप की लुक आए, तो तब आप इस तरह के शूज़ पहन सकते हैं। और इन दोनों शूज़ में भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा शाइनी मटेरियल ना हो, सिंपल और मैट कलर का पॉलिशेबल लेदर मटेरियल हो, ये शलवार कमीज के साथ बहुत अच्छा नज़र आता है। और कलर की अगर बात की जाए तो डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन, इन दोनों में से कोई एक कलर आप चूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही ऐसे कलर हैं जो कि मोस्टली शलवार कमीज के साथ यूज़ हो सकते हैं। चौथे नंबर पर जो शूज़ है ये आप कैजुअल पार्टीज़, कैजुअल आउटगोइंग्स पर पहनेंगे। आप इसे कभी भी फॉर्मल फंक्शन, फॉर्मल मीटिंग्स पर नहीं पहन के जाएंगे, वो हैं कैजुअल लोफर्स। जी हाँ, कैजुअल लोफर्स भी आप शलवार कमीज के साथ पहन सकते हैं, लेकिन जो कैजुअल लोफर आप शलवार कमीज के साथ पहनेंगे उसके ऊपर ना तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस बने होंगे, ना तो उनके ऊपर कोई प्रिंट्स होंगे और ना ही उनके ऊपर कोई बड़े बड़े से बकल बने होंगे, जस्ट सिंपल बेसिक क्लीन कैजुअल लोफर होंगे। और इनका कलर भी आप ब्लैक, डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन की तरफ जाएंगे। और इनके अलावा आप कोई भी शो कलर का कैजुअल लोफर शलवार कमीज के साथ नहीं पहनेंगे। और जैसे कि आप जीन्स और चीनस के
साथ कई लोफर को नो शो सॉक्स के साथ पहनते हैं, शलवार कमीज के साथ ही उसी तरह नो शो सॉक्स के साथ यूज करेंगे। और पांचवें नंबर पर भी मैंने एक नहीं दोनों शूज को रखा है। आप चाहें तो दोनों बाय कर सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक बाय कर सकते हैं, जो कि हैं चका बूट्स और चेल्सिया बूट्स। इन दोनों की बाइंग और वेयरिंग गाइड पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई कार्ड में आ रहा होगा, वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैंने विंटर्स में बहुत लोगों को देखा है कि जो कि शलवार कमीज के साथ जॉगर्स वगैरह स्नीकर वगैरह पहन रहे होते हैं, और वो इस वजह से पहन रहे होते हैं कि यार बाकी शूज में हमें ठंड लगती है तो इस वजह से हम स्नीकर पहन रहे हैं। तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप सर्दियों में इन दोनों में से किसी एक बूट को बाय कर सकते हैं। ये दोनों ऐसे बूट हैं जो आपको एंकल को भी कवर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये आपको ठंड से थोड़ा सा सेफ रखते हैं। तो आप विंटर में उनके बजाय ये शूज़ बाय करें, इन्हें पहने, ये आपको शलवार कमीज के साथ क्लासी और प्रोफेशनल लुक देंगे। आप स्वेट चका बूट्स और स्वेट चेल्सिया बूट्स भी शलवार कमीज के साथ कैजुअली पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी क्लासी लुक चाह रहे हैं तो तब आप इन दोनों शूज़ को पॉलिशेबल ब्लैक या ब्राउन लेदर में बाय करेंगे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई एक शूज़ नहीं है बल्कि एक शूज़ की पूरी कैटेगरी है, जो कि हैं हमारे पाकिस्तानी ट्रेडिशनल शूज़, जिनमें आ जाता है इस तरह का खुस्सा, हमारी कुहाटी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल और बलोची चप्पल। ये चारों ही हमारे पाकिस्तान के ट्रेडिशनल शूज हैं, और हो सकता है कि आप लोगों में से किसी को इन चारों शूज के बारे में नहीं पता हो, तो इन चारों शूज के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो जल्दी बनाऊंगा। तो आप इन चारों शूज को शलवार कमीज के साथ कैरी कर सकते हैं, लेकिन इन चारों जूतों को आप शलवार कमीज के साथ सिर्फ ट्रेडिशनल फंक्शन या फिर वेडिंग वगैरह पर पहनेंगे। ये जूते आपको प्रोफेशनल और फॉर्मल लुक आपको कभी भी नहीं देते, ये ट्रेडिशनल शूज हैं और आपको ट्रेडिशनल लुक ही देंगे, और आप इन्हें ट्रेडिशनल फंक्शन पर ही यूज करेंगे। तो जितने भी शूज मैंने आपको इस वीडियो बताए हैं, अगर आप इनमें से किसी शूज को बाय करना चाहते हैं तो इन तमाम शूज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मजीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।